आज हम बेरोजगारी भत्ता फार्म को रिन्यू करना सीखेंगे। मेरी वीडियो को कंप्लीट देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। यदि आपको सक्षम से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वेबसाइट का लिंक है। तो यहाँ पे ये अकाउंट का नाम दिया हुआ है, इसके ऊपर हमें क्लिक करना है और यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करना है। और कई बंदे क्या करते हैं कि मतलब ये आपके पास है अकाउंट नंबर है, यूज़र आईडी, तो इसका पासवर्ड भूल जाते हैं। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। यदि फार्म भरने के 1 या 2 महीने बाद आपको पैसे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, ये फार्म भरने के बाद एक सक्षम का फार्म भरा जाता है और उसके बाद आपको पैसे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं और आप पासवर्ड भूल चुके हैं, तो इस पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है। यदि आपको 3 साल इंतज़ार करना पड़ता है तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ता है, लेकिन वो आपको मैं बाद में बताऊंगा। और EBINDER@1993। क्या वो ये मैंने पासवर्ड और कैप्चर कोड डाल दिया है। तो ये जो है मेरा अकाउंट सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। और अपने मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ, यहाँ पे जो मेरी प्रोफाइल है वो 100% कंप्लीट है। और यहाँ पे जो प्रोफाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोफाइल, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये जो मेरा जितनी भी डिटेल है मेरी आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने 2018 में फॉर्म भराया था जनवरी, और 4 अगस्त को मैंने रिन्यू किया था फर्स्ट टाइम, और उसके बाद नेक्स्ट रिन्यू मैंने 4 अगस्त 2023 को किया था, लेकिन अभी भी अगस्त चल रहा है। तो इसको मैं ये यहाँ पे देख सकते हो रिन्यू, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो कुछ देर बाद एक इंतज़ार करना पड़ेगा, लोडिंग ले रहा है एक बार। तो ये देख लीजिए अपलोडेड है सक्सेसफुल। यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि अगस्त 2026 तक ये मेरा जो है रिन्यू हो चुका है। और यहाँ पे मैं ओपन करूँगा तो ये सारी की सारी मेरी प्रोफाइल आ चुकी है, ये देख लीजिए मैंने कब रिन्यू किया था कब नहीं। तो आई होप यू मेरी वीडियो आपको पसंद आई है। थैंक यू।